हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूं, बहुत ही रैंडम व्लॉग, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है दैट आई हैव कनेक्टेड विथ यू ऑल हार्ट टू हार्ट। मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर की है, दीज आर द वीडियोज जो आपको एक्चुअली मेरी बहुत पसंद आती हैं, जहाँ पर मैं जो भी जेन्युइन हो रहा होता है इन लाइफ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आई विल शेयर व्हाट आई एम डूइंग इन टर्म्स ऑफ डाइट, कि मैं क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ अभी करेंटली। प्लस आई विल टेल यू समथिंग दैट वी हैव शिफ्टेड इन द न्यू हाउस, एज यू कैन सी। यस, शिफ्टिंग के बाद बहुत मेरी डाइट जो है गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, एंड आई जस्ट कुडंट फॉलो अ प्रॉपर प्लान और प्रॉपर रूटीन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मतलब यहाँ पर आए हुए हमको ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, लाइक 1.5 महीना हो गया है। बहुत कुछ आई हैड टू लर्न टू मैनेज द इंटायर हाउस ऑल अलोन, और साथ में मेरा खुद का काम भी। तो ये सब चीज़ें मैं जगल कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, बट नाउ आई एम एट अ वेरी वेरी गुड प्लेस कंपैरेटिवली व्हाट आई वाज लास्ट मंथ, जिसकी वजह से आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ से वीडियोस जो हैं मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न। हाउस वाज गेटिंग रेडी, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी कि एक बार हो जाए उसके बाद आई विल बी एबल टू कनेक्ट टू यू गाइज मोर, एंड मैं बहुत ज़्यादा और नई अच्छा कॉन्टेंट और वीडियोज़ लेकर आ पाऊँगी आप लोगों के लिए। सो हियर आई एम बैक, होपफुली आई विल share a lot of new content and videos with you all. So to start with, आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लंच क्या किया है। मैंने पहले सोचा नहीं था that I will film a video, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया that I should film a video, तो इसीलिए मैंने कैमरा उठा लिया and I have started filming. पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने लंच में क्या खाया है। So this is आलू टमाटर की सब्जी, here's खीरे का रायता, यहाँ है कुछ राइस, लेमन राइस भी बने थे, और सैलड थी इसमें, रोटी का पोहा भी बनवा लिया। Then there's roti in this. Yeah, this is the food that we had today. खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा चाय पीने का भी मन किया, तो I had chai also, little bit chai. किसी थोड़े से दूध में, थोड़े से पानी में आई मेड द चाय एंड आई हैड दैट। और बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है दैट डू आई हैव चाय विद शुगर। येस, एब्सोल्युटली। पहले मैं स्टीविया ऐड करती थी व्हेन आई वाज ऑन माय वेट लॉस जर्नी, बट नाउ करेंटली सिंस आई थिंक 3-4 मंथ्स आई हैव नॉट बीन यूजिंग स्टीविया, आई एम ओनली यूजिंग शुगर, नॉर्मल जो रेगुलर शुगर होती है दैट इज़ व्हाट आई यूज, लेकिन कम क्वान्टिटी में यूज़ करती हूँ। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज जो भी मैं खाऊंगी, सो इट्स काइंड ऑफ अ डे व्हाट आई ईट इन द डे, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, मैं आपके साथ आने वाले दिनों में व्हाट आई ईट इन अ डे प्रॉपर वाला भी शेयर डेफिनेटली करूंगी। और अभी हर्ष गए हैं अनायशा को स्कूल से लेने के लिए, 1:30 बजे वो वापस आ जाती है, सो आई गेट लाइक 2-3 आवर्स टू वर्क, एंड दैट टाइम आई डील विद ऑल द क्लाइंट्स। मैं मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ, जो भी नए क्लाइंट्स होते हैं उनसे बात करती हूँ, सो देयर इज अ लॉट दैट आई डू इन दोज 2-3 आवर्स। यू नो इट्स अ न्यू रूटीन, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है टू मैनेज एवरीथिंग, बट येस अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है सिचुएशन, आई कैन से दैट। एक मुझे कमेंट आया था लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ डेली डाइट शेयर करूं, तो हाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डेली का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया करूंगी अब व्हाट आई ईट इन अ डे, बिकॉज मुझे खुद को भी एक्चुअली वो वीडियोज़ बनाने में मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग डाउन एंड फिल्मिंग सम कॉन्टेंट, मुझे ऐसी वीडियोज़ बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ऑल्सो मैं हाँ वो वीडियो भी आपके लिए बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमारी जर्नी कैसी रही, लाइक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम US टू इंडिया, बिकॉज इट्स बीन लाइक मोर देन अ ईयर नाउ जब से हमने शिफ्ट किया है, एंड इट्स अ गुड जर्नी, मैं आपको ये ज़रूर बता देती हूँ, बट वॉट वर द हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स थी और उनके क्या सोल्यूशंस थे, ये सब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको जानना है इस बारे में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई एम रियली प्लानिंग कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि हाउ वॉज़ द लाइफ लाइक आफ्टर मूविंग और शिफ्टिंग फ्रॉम US टू इंडिया, हाउ इज़ इट फॉर अस, बिकॉज हमने तो सोच समझ के ये डिसीजन लिया था, लेकिन हाउ वॉज इट एक्चुअली, बिकॉज मेरे को बहुत सारे ऐसे DMs आते हैं जिनमें आप लोग मुझसे पूछते हो कि बताओ हाउ इज़ लाइफ, लाइक यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज यू फील लाइक, बहुत लोगों के DMs आते हैं जिनको बहुत बहुत साल हो गए, लाइक 8-8, 10-10 साल हो गए, 12 साल, एक को तो 12 साल हो गए थे, और पता नहीं आउट ऑफ इंडिया समवेयर था, मतलब मुझे याद भी नहीं है अब एग्जैक्टली। तो शी DM मी कि प्लीज़ शेयर हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया बिकॉज वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया एंड आई रियली मिस इंडिया। सो आई नो दैट कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, बस आई वॉज नॉट गेटिंग द टाइम ऑनेस्टली, बट नाउ आई विल टेक आउट द टाइम, आई विल मेक श्योर दैट आई कीप यू ऑन प्रायोरिटी लिस्ट एंड आई जस्ट मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। And there's one thing that I thought that this will be the best time to talk about it. Weight loss is not very difficult, guys. I mean,
पीपल ऑफन, अच्छा मैंने चश्मा निकाल दिया है बाय द वे, आई जस्ट थॉट कि पूरे व्लॉग में आई एम जस्ट टॉकिंग नॉर्मल चश्मा लगा के, बिकॉज दैट्स माई न्यू आइडेंटिटी. मतलब जनवरी से मुझे लगा है और मैं निकालती हूँ तो मुझे सर में दर्द हो जाता है ज़्यादा देर के लिए. आई मीन बस ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए तो मैं निकाल ही सकती हूँ, नॉट अ बिग डील. सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, पीपल थिंक दैट वेट लॉस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट. थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे चेंजेस बनाओ अपनी लाइफ में एंड स्टिक बाय देम. थोड़ा डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है. कभी भी आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है इन लाइफ, मेड बी वेट लॉस और एनीथिंग एल्स, यू हैव टू कीप रियल डिसिप्लिन. एंड ऐसा नहीं है दैट आई एम ऑलवेज इन डिसिप्लिन, नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. मेरा खुद का डिसिप्लिन काफ़ी बार गड़बड़ हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया व्हेन आई वाज शिफ्टिंग हियर. सो सब कुछ उथल पुथल हो गया एंड आई वॉज ईटिंग लिटरली ईच एंड एवरी थिंग दैट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. न्यू चीज़ें मैनेज करने में आपको बहुत स्ट्रेस होता है एंड दैट इज़ वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू. और इस वजह से आई वॉज जस्ट ईटिंग नॉनसेंस थिंग्स. आई मीन बिल्कुल हेल्दी ईटिंग नहीं करी थी. आई वॉज एबल टू डू माई वर्क दैट वेल, आई वॉज एबल टू टेक आउट टाइम. प्लस मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी इनिशियली बिकॉज ऑफ द एडिड स्ट्रेस. नाउ आई एम एट अ मच बेटर प्लेस एंड आई रियली होप दैट आई स्टे लाइक दिस. इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी डाइट को लेकर भी दोबारा से डिसिप्लिन में आ गई हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या चेंजेस कर रही हूँ अपनी डाइट में. आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, जिसकी वजह से काफ़ी बेटर हो गई है अब मेरी हालत, जो मेरी तबीयत है स्पेशली, बिकॉज तबीयत ठीक होना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. हम लोग वो ओवरलुक कर सिर्फ वेट लॉस सोचते हैं, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए. तबीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज. अगर वो ठीक है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, आप में एनर्जी रहती है करने की. अदरवाइज एक टाइम ऐसा आ गया था बीच में, मतलब को वॉक पर जाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी. थिंग आई ऑलवेज से डोंट गो फॉर क्विक वेट लॉस थिंग्स. ईट न्यूट्रिशियस फूड, ईट वेल बैलेंस्ड फूड, मतलब नॉर्मल अपना घर का खाना खाओ सिंपल शब्दों में, और अच्छा हेल्दी फाइबर रिच खाना जो आप हमेशा से खाते आ रहे हो अपने घर में वो खाओ, बस सही क्वांटिटी में खाओ. इतनी सी चीज़ याद रखो, भूखे मत रहो. एंड अनायशा इज हियर, सो लेट अस गो. एंड ओ नहीं पहन पाएंगे, अनायशा आ गई है. Hi, my baby. My baby is here. I love you. I love you. Say I love you. I love you. Come here. Give a huggy to mama. Oh, I love you. I missed you so much. सो इवनिंग हो गई है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ईट एट 5 PM. आज मैं गई थी अपने स्टूडियो रूम में जो कि सेकंड फ्लोर पर बना है, उसको थोड़ा सा सेट करने. अभी बहुत सारी उसके लिए चीज़ें लेकर आनी है मुझे, वही बस सेट हो जाएगा तो आई कैन स्टार्ट फिल्मिंग द वीडियोज देयर. चेयर. अभी बन रही है चाय. आपको थोड़ा सा क्लोजअप शॉट देती हूँ, बहुत ही अमेजिंग सी दिख रही है. अभी टाइम हो रहा है 5:30 PM, सो मैं चाय पीने वाली हूँ. ऑल्दो मैंने आज दिन में भी चाय ले ली थी आफ्टर लंच, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि एक चाय तो और बनती है शाम में. इसके साथ आई विल हैव 2 बिस्किट्स ऑल्सो. 2 ही बजे हैं इसमें, नहीं 3 बजे हैं, सो 2 बिस्किट्स आई विल हैव. चाय मेरे को आजकल पसंद आ रही है इसकी, इलायची वाली. और मैं आजकल अदरक नहीं डाल रही हूँ अपनी चाय में, इलायची डाल रही हूँ. और इलायची वाली चाय ओ हो. चाय टाइम इज द बेस्ट टाइम. शॉपिंग करने जा रहे हो? यस. सो हम लोग जा रहे हैं गाइस शॉपिंग करने. इट इज 6:00 इन द इवनिंग. यस दैट्स राइट. एंड अनायशा बटरफ्लाई फेरी बनी हुई है, ये इसने ऑर्डर किया, मतलब करवाया, ऑर्डर किया था. करेक्ट. अच्छा. और ये यही पहनकर घूम रही है हर जगह, लिटरली हर जगह. और बहुत अच्छी धूप आ रही है, लेकिन एकदम प्यारी प्यारी वाली. फाइन राइट. सो आई फीलिंग सो मच बेटर. या इट्स अ सनी डे टुडे. व्हाई आर यू सो क्यूट फेरी, सच अ क्यूट फेरी. सो यस, थोड़ी सी घर की शॉपिंग करने हम जा रहे हैं. सो हम लोग एक स्टोर पर गए थे, वी गॉट दिस की रिंग. ओम का है, बहुत प्यारा है. और साथ में मैंने राखियाँ भी ली, जैसे मैंने पसंद की दिस वन एंड दिस वन. लुक एट दिस, सो प्रिटी. अनायशा ने ये पसंद किया इसके लिए. अनायशा की चॉइस अलग ही है. माइन आल्सो की रिंग. यस, एवरीवन कैन सी योर की रिंग एज वेल. माइन आल्सो की रिंग. यस, नेकलेस.
Look at this. How about we try? Oh, it's so hard. What are you even trying to do? Talagayos. Mene lagawa. Kyu? Oh, house wala kiya na na. And there's traffic by the way, तो हम उसका time को utilize कर रहे हैं। हो गया time। हो गया लगता है। Green light हो चुकी है। Let's go। Maybe on the next red light I can try। Okay। काकी। And also, can you see मेरा face is looking so much better than? Yes, me too. Why are you so cute? तो मतलब मैंने बिल्कुल भी मेकअप कुछ भी नहीं लगाया हुआ है ऑन द फेस. ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू पिंपल्स, काफी बेटर हो गया है बिकॉज ऑफ द न्यू स्किन केयर आई थिंक. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको जाना है, बिकॉज अभी मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं दिखाऊं आपको. ठीक है, अगर आपको जाना है तो मुझे बताना. ठीक है, और ये अभी राखीज अभी ही ओपन कर लेगी एंड शी इज गोइंग टू वेयर देम, व्हिच आई एम नॉट रियली लाइकिंग, बट आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. ओके, सो हम लोगों ने, मैं आपके लिए भी नहीं रही बेटा, मैं अपनी ले रही हूँ. हम सो हमने शॉपिंग नहीं करी. हमने ट्राई किया, हमने एक स्टैंड ऑल तो ले लिया है. यस, मीचू स्टैंड लिया हमने क्योंकि मुझे सिलेंडर के लिए मैं ऑनलाइन ढूंढ रही थी. स्टैंड मिल गया बस, और बाकी हमने कुछ भी और नहीं लिया क्योंकि हमें कुछ भी और पसंद ही नहीं आया. मतलब मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता, मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है. आई कीप सीइंग स्टफ और मुझे एक चीज पसंद नहीं आती. हर्षी को इतने में आई थिंक पांच छह चीजें पसंद आ गई होती हैं और वो अकेले आए होते तो वो पांच छह चीजें लेकर जाते. मतलब मैं बहुत चूजी हूँ, कैन यू बिलीव इट. डेढ़ महीना हो गया है हमको घर में शिफ्ट हुए, मतलब 2 months होने वाले हैं एंड अभी भी पूरा घर सेट नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि मुझे चीजें पसंद आसानी से नहीं आती हैं. एक एक करके चीजें आती हैं पसंद एंड ही इज रियली अनॉयड बाय इट. मतलब हम लोग जब फर्नीचर शॉप कर रहे थे तब, मतलब यू वुड हैव सीन the amount of confusions I had and the amount of doubts I had on each and everything. Oh God, it really annoyed him so much, है ना? हाँ, बहुत time लगा. But luckily वो हो गया. But अब जो specially decor का item है उसको तो मुझे बहुत difficulty हो रही है choose करने में. एक एक vase, एक एक painting, it's extremely difficult to choose. खैर ठीक है, अभी अब घर जाते हैं. आई एम वेरी हंग्री, सो जो खाना रखा हुआ है वी विल ईट दैट. बस मैं बाहर नहीं खाना चाहती हूँ बिकॉज अभी लॉन्ग वीकेंड था तो वी हैड फूड फ्रॉम आउटसाइड लाइक रोज लिटरली एवरी डे. सो आई एम नॉट गोइंग टू ईट बाहर का और मैं घर जाकर ही अपनी अपना डिनर करूँगी. यस, तो वो एक पॉजिटिव थिंग है दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग अगेन टू गेट बैक ऑन ट्रैक. कि मैंने बिल्कुल घर बाहर का मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट बिल्कुल बंद, मतलब बिल्कुल बंद नो मैटर व्हाट. कीरिंग जो है ओम का वो डल गया है फाइनली, जाते में ही सही, आते में नहीं तो. एंड अनायशा इज शोइंग ऑफ हर कीरिंग. यहाँ से दिखाओ बेटा दूर से. दिस इज अनायशाज कीरिंग जो उसने पसंद किया है. शी लाइक्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच हैज यूनिकॉर्न्स. सो मैं आ गई हूँ घर एंड ये है मेरा डिनर जो मैं खाने वाली हूँ. और मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हो रही हूँ सो मैं अब व्लॉग नहीं कर रही हूँ और मैं सेम चीज़ें खा रही हूँ. दिस इज़ सैलेड, दो रोटियाँ हैं और खीरे का रायता है एंड आलू की सब्जी है. द सेम थिंग्स जो मैंने लंच में खाया वही है. सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो. मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया जस्ट एक नॉर्मल कैजुअल स्टाइल में. बहुत लंबा टाइम हो गया था क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने कुछ भी ऐसा शेयर किया हो. दैट इज़ माई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस वीडियो विथ यू ऑल. एंड दिस इज़ अनायशा, शी इज़ प्लेइंग. सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या नई वीडियोज़ देखनी है एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. एंड लुक एट मी, बहुत टायर्ड हो गई हूँ मैं. सो या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर गाइज, बाय.